जमातों की जो जिस तरह के आपकी समातें चाहती हैं, जो आपकी समातों की चाहत है, इसे मैं महसूस करता हूं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा तरतीब में उलटफेर कर रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। आपने जिस तरह बीमार से रुखसत ली है, साफ जाहिर है जनाजे में नहीं आएंगे। आपने जिस तरह बीमार से रुखसत ली है, साफ जाहिर है जनाजे में नहीं आएंगे। एक ऐसे शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं, चार मिसरे पढ़ दूं तो उस शायर की तस्वीर आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। हालात ने चेहरे की चमक छीन ली वरना, पहुंच गए क्या? हालात ने चेहरे की चमक छीन ली वरना, दो चार बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। इस दर्जा मसाइब के जहन्नुम में जला हूं, अब कोई भी मौसम हो पसीना नहीं आता। आइए आपका शायर आपके हवाले, गुजारिश कर रहा हूं जनाबे कमर एजाज से तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजे। जनाबे कमर एजाज माइक। अस्सलाम वालेकुम। वाह इशार, मैं तो आपके करीब नहीं हूँ। घड़ी भर भी कभी तनहा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते। घड़ी भर भी कभी तनहा मुझे होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे सोने नहीं देते। मेरे सर पे मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं, सफर में ये कहीं भी हादसा होने नहीं। वाह वाह वाह, नदी के पास में घर है, गमों का पाला है। क्या कहना खाम नदी, नदी के पास में घर है, गमों का पाला है। खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है। और कोई बला भी मेरा कुछ भी कर नहीं सकती कि मेरी माँ ने बलाओं में मुझको पाला है। मैं बच गया भी तो हैरत की कोई बात नहीं। आप कमर एजाज साहब, इन दिनों तो हालांकि बचपन से आपको माँ की दुआएं मिली होंगी, लेकिन इन दिनों तो आपके बच्चों की माँ की दुआएं आपको मिल रही होंगी। शुक्रिया जी। गजल का मतलब देखो जी, जी उभरने का इरादा कर लिया क्या? उभरने का इरादा कर लिया क्या? न डरने का इरादा कर लिया क्या? बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हो, बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हो। संवरने का इरादा वाह, बड़ा गहरा समंदर सामने है। क्या कहना क्या कहना, बड़ा गहरा समंदर सामने है, उतरने का इरादा कर लिया क्या? कर लिया क्या? और समेटे जा रहे हो सारी दौलत, न मरने का इरादा कर लिया। बहुत एजाज राय पुर खतर है, गुजरने का इरादा कर लिया क्या? कर लिया क्या? सभी मतलब के दीवाने मोहब्बत कौन करता है, और ये अल्लाह जानता है कि इबादत कौन करता है। समझ में कुछ नहीं आता,
यहाँ कैसी सियासत है, वाह हुकूमत किसको करना था और मोहब्बत करने वालों से वो नफरत छीन लेता है और तकब्बुर करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। बहुत इतराइए ना आप अपनी ताकत पर, सितम करता है जो वो उसकी ताकत। अरे घर से मंगाया जो लोग गालियों से बगावत नहीं करते, जो लोग गालियों से बगावत नहीं करते, वाह अल्लाह के बंदों से मोहब्बत। वाह हम शान से जिए, ये अपना वतन है, ये और बात है कि हुकूमत नहीं करते। हम शान के किएंगे, ये अपना वतन है, ये और बात है कि हुकूमत नहीं करते। अब नाकाम ही रहेंगे जहाँ में वो हमेशा माँ बाप की जो बेटे खिदमत नहीं सीखा ही नहीं हमने नफरत का सबक यारो, हम लोग तो दुश्मन से भी नफरत नहीं करते। वाह वाह वाह, हम लोग तो दुश्मन से भी नफरत नहीं करते, एजाज जान देते हैं हम अपने वतन पर। हम लोग सियासत की तिजारत नहीं। वाह 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 वाह, कदर सर पे खड़ी है आज के हालात। जी जी, कदर सर पे खड़ी है, जिंदगी की बात करते हैं, हजारों गम मिले फिर भी मक्की की बात करते हैं, बात करते हैं, जिन्हें जीना नहीं आया सलीके से कभी यारो, हमारे सामने वो बंदगी की बात करते। वाह 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 वाह, हमेशा दूरी रहना तुम उनकी मेहरबानी से, उजाले छीन कर जो रोशनी की बात। वाह 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 वाह, तुम उनकी मेहरबानी से उजाले छीन कर जो रोशनी की बात करते हैं, न जाने किस तरह पहुंचेगा, देखो कारवा अपना लुटेरे है मगर सब रहे वाली की बात। हमें दुनिया से क्या लेना कि हम ईमान वाले हैं। वाह, हमारे साथ अल्लाह है, हम इरफान वाले हैं, हमारे खून में शामिल हुई इस देश की मिट्टी, न हम ईरान वाले हैं न पाकिस्तान वाले हैं, हमारे बुजुर्गों ने दी यहाँ कुर्बानियां अपनी, ये अल्लाह जानता है, हम तो हिंदुस्तान वाले। वाह 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 वाह, वक्त से जो वफा नहीं करता, वक्त उससे वफा नहीं करता, क्या कहना क्या कहना, वक्त से जो वफा नहीं करता, वक्त उससे वफा नहीं करता, वफा नहीं करता, कामयाबी उसी को मिलती है जो किसी का बुरा नहीं करता। वाह 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 वाह, कामयाबी उसी को मिलती है जो किसी का बुरा नहीं करता, बुरा नहीं करता, गुप्तगु सबकी समझ लेता है, बात हर आईने नहीं करता। वाह 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 वाह, और जो दुआएं किसी की लेता है, वाह अपनी खातिर दुआ नहीं करता, क्या कहना क्या कहना। वाह वाह, जो दुआएं किसी की लेता है अपनी खातिर दुआ नहीं करता, उसका जीना भी कोई जीना है, जो भी जिक्र खुदा नहीं करता। वाह 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 वाह, और वो कोई आदमी है एजाज जो किसी का भला नहीं करता। वाह 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 वाह, थोड़ा आईना आ गया बता। हाँ मेरे भाई की फरमाइश रहेगी यार, हर
मुझसे ज्यादा भी प्यार मत करना। जमीन गांधी साहब की पसंदीदा गजल, हदसे ज्यादा भी प्यार मत करना, मत करना नदीम भाई। जी जी बिल्कुल नहीं करूंगा। हदसे ज्यादा भी प्यार मत करना, दिल हर एक पे निसार मत करना। क्या खबर किस जगह पे रुक जाए सांस का एतबार मत करना। आईने की नजर में लग जाए इस तरह से मत करना। आईने की नजर में लग जाए इस तरह से सिगार मत करना। मत करना तीर तेरी तरफ ही आएगा, तीर तेरी तरफ ही आएगा, यू हवा में शिकार मत करना। वाह वाह। और डूब जाने का जिसमें खतरा है ऐसे दरिया को पार मत करना। देख तौबा का दर खुला है अभी, कल का तू इंतजार मत करना। वाह वाह। मत करना मुझको खंजर नंगे कहा है जात, तू अंधेरे में वार मत करना। पत्थरों का पानियों की बूंद में इस्तकबाल कीजिए अपनी पसंदीदा गजल का। नजर है बचाई ना। वाह 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 वाह। कर रहा है इल्तिजा देखकर लोग तुझको सवरने लगे। वाह वाह वाह। देखकर लोग तुझको सवरने लगे, अपने किरदार को तू बढ़ा, अपने किरदार को घर के आईने की कदर घट जाएगी। वाह। घर के आईने की कदर घट जाएगी, घर के आईने की कदर घट जाएगी। वाह। जाया बाजार से घर नया आईना, लाया बाजार से घर नया आईना। तू मेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते, तू मेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते, तू मेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते, मैं तेरे वास्ते, तू मेरा आईना मैं तेरा आईना। चेहरे के खुल जाएंगे देखना, सामने जब तेरे आएगा, सामने जब तेरे हर तरफ बेजमीरों का दरबार है, हर तरफ बेजमीरों का दरबार है, हर तरफ बेजमीरों का दरबार है, क्या करेगा वहा फैसला आईना। वाह वाह वाह। दांत का मिलिया जी से मेरे दांत देखिए हजरात गिरामी, इस गजल को जैसे औरंगाबाद में या जहां इस गजल के चाहने वाले हैं वहां जैसे सुना जाता है, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं अभी आप वैसे नहीं सुन रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए आमादा करता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, जरा देर के लिए एक शेर मैं अभी सुनवाऊंगा कुमार एजाज साहब से,
इस हवाले के साथ सुनिए कि जब ये इस मुशायरे से लौटकर अपने घर पहुंचेंगे और अपनी बेगम के सामने जाके घर में जब ये अपने पेमेंट का लिफाफा देंगे, और पेमेंट का लिफाफा देते वक्त जब ये कहेंगे तू मेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते, मैं तेरा आईना तू मेरा आईना, जब ये शेर पढ़ा जाएगा तो इसकी कैफियत क्या होगी? कमर एजाज साहब वो शेर सुनाएंगे और आप उसको सुनकर बताएंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। मेरे वास्ते मैं तेरे वास्ते